हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आज हम कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है वो ऑथेंटिकेट जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं, रिव्यू आर्टिकल्स हैं, करस्पॉन्डेंस है, वहाँ से लिया गया है। सो अगर इसमें फिर भी कोई एरर आता है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोरोना वायरस आर क्लासिफाइड इंटू थ्री ग्रुप्स, इनिशियली बेस्ड ऑन एंटीजेनिक रिलेशनशिप ऑफ द स्पाइक मेम्ब्रेन न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। सो आप अगर इस वायरस का स्ट्रक्चर देखें तो ये बाहर में जो आपको दिख रहा है वो है एस प्रोटीन, ये एस प्रोटीन है और मेम्ब्रेन है जो बेसिकली फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसके बीच में बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं और आता है उसके बाद न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब हम इस कोरोना वायरस के ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली में आते हैं और उसके जीनस में आते हैं। ऑर्डर है इसका नीडो वायरलिस, फैमिली है कोरोना विरेडी, सब फैमिली है ऑर्थो कोरोना वायरेनी और इसको दो जीनस में डिवाइड किया गया है, कोरोना वायरसेस एंड टोरो वायरसेस। द 2019 नोवेल कोरोना वायरस इज़ अ नोवेल एनवलप्ड बीटा कोरोना वायरस विच हैज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम। तो यहाँ आप सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम देख सकते हैं। ये 3- पॉली ए टेल है और 5- केप ए है, ठीक है। नाउ रीइन्फोर्स बाय वायरल जेनेटिक फाइलोजेनी, जो इसकी सिमिलरिटी होती है दूसरों कोरोना वायरस के, उसके अकॉर्डिंग इसको फिर से तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और करेंटली जो ह्यूमन कोरोना वायरस है, जो HCoVs मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज़ ह्यूमन कोरोना वायरस, वो 7 अभी तक पाए गए हैं कन्फर्म्ड। और इनको फर्दर अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, इस तरीके से तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में। तो मेनली यहाँ जो मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ उसमें दो मेंशन नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 6, 7 मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सार्स कोरोना वायरस 2, जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस उसे ही कहते हैं, जो सार्स कोरोना वायरस 2 है। और मर्स, जिसको मैंने क्लासिफाई नहीं किया है, ये बीटा कोरोना वायरस जीनस के कैटेगरी में ही आता है। तो ये सारे जो हैं वो ह्यूमन कोरोना वायरस हैं। ये कहीं ना कहीं जूनॉटिक एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुए हैं और ये अपने जो स्ट्रक्चर है, जो वायरल स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ पर्टिकुलर चेंजेस किए हैं, जिसके कारण जो ये सार्स कोव 2 है, दैट इज़ नोवेल कोरोना वायरस, वो काफ़ी एडवांस है और उसके बारे में जितनी भी रिसर्च हो रही है वो अभी ज़्यादा नोन नहीं है क्योंकि ये नॉ। अब आ जाते हैं जो मैं मर्स के बारे में आपको बता रहा था, दैट इज़ मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, सीवियर एक्यूट कोरोना वायरस सिंड्रोम और ह्यूमन कोरोना वायरस फ्रिक्वेंटली कॉज अ नॉर्मल कोल्ड विच इज़ माइल्ड एंड सेल्फ रिस्ट्रिक्टिंग। द रिजर्वायर ऑफ द वायरसेस इज़ यूजुअली एनिमल, इंक्लूडिंग बैट, कैमल और चिपैंजीज। तो मैंने आपको पहले बताया था जूनॉटिक मेमेलियन से ये ट्रांसमिट हो रहे हैं और ये इनके रिजर्वायर हैं इन वायरसेस को, और ये ट्रांसमिट हो गए हैं ह्यूमन में और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन ये कॉज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं मर्स के बारे में। जो मर्स है, जो मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस है, कंसिडर्ड अ डेडली वायरस विद अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। पब्लिश रिसर्च हमको ये बताता है कि ये इन्फेक्शन कैमल्स के थ्रू आए हैं। मैनी पीपल विद मर्स हैड क्लोज कॉन्टैक्ट हिस्ट्री विद कैमल्स एंड ड्रिंकिंग कैमल मिल्क। ट्रांसमिशन ऑफ मर्स कोवी अकर्स पेशेंट टू हेल्थ केयर वर्कर्स थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड थ्रू टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस। इंक्यूबेशन पीरियड जो मर्स कोरोना वायरस का होता है वो 2 से 14 दिन तक का होता है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ मर्स कोवी, जितने भी ईस्टर्न मेडिटेरियन कंट्रीज़ हैं, कुवैत, यमन, ओमान, ईरान, लिबेनन,
टूनीशिया, अल्जीरिया, ये सारे इसके एपिडेमोलॉजी में आते हैं। मैनेजमेंट ऑफ मर्स टिल डेट नो प्रॉपर ट्रीटमेंट। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा लोपिनावीर इंटरफेरॉन प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ मर्स कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन, एंड रिबावीरिन एंड इंटरफेरॉन कंबाइंड थेरेपी हैज़ सम बेनिफिशियल इफेक्ट। डायग्नोसिस ऑफ मर्स कोवी पीसीआर डायग्नोसिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मेथड इज यूज्ड बाय कलेक्टिंग स्पूटम और एनी अदर सैंपल फ्रॉम द पेशेंट। अब आ जाते हैं सार्स कोरोना वायरस। मर्स के बारे में मैंने बताया था, कैमल में है, अराउंड 2014-15 का इंसिडेंट है। और जो ये कोरोना वायरस, जो सार्स कोरोना वायरस है, इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 2002 इन चाइना, हु हैज़ डिफाइंड सार्स एज अ ग्लोबल थ्रेट कॉज्ड बाई सार्स कोरोना वायरस। ट्रांसमिशन ऑफ सार्स कोरोना वायरस रेस्पायरेटरी एरोसोल विच वर रिलीज वाइल सार्स पेशेंट कफ स्नीज थ्रू सेवरल वेज लाइक माउथ, नोज एंड आइज। साइन एंड सिम्टम्स, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सार्स कोरोना वायरस रेंज फ्रॉम 2 to 10 days। डिस्कम्फर्ट इन रेस्पायरेशन एंड बॉडी पेन, स्लाइटली रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम, डायरिया एंड कफ। डायग्नोसिस पीसीआर टेस्टिंग, एंटीबॉडी टेस्टिंग यूजिंग एलिशा एंड इम्यूनो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, वेयर एडिशनल एंटीवायरल थेरेपी, आरएनएस साइलेंसिंग मेथड, एंटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंटीवायरल पेप्टाइड्स एंड वैक्सीन्स आर अंडर डेवलपमेंट। मैनेजमेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ दिस डिजीज, प्रोटीएज इनहिबिटर, यू शुड रिमेंबर दिस, प्रोटीएज इनहिबिटर सच एज लोपिनावीर एंड रिटोनावीर अलॉन्ग विथ रिबावेरिन मे हेल्प इन एंटीवायरल थेरेपी। हाउ एवर, द रोल ऑफ इंटरफेरॉन एंड जनरल स्टेरॉइड्स आर स्टिल इन कंसिडरेशन। प्रिवेंशन, स्कॉलर्स आर वर्किंग ऑन वेरियस टाइप ऑफ वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सार्स, बट स्टिल दिस वैक्सीन नीड टू बी अप्रूव टू टेस्ट इन ह्यूमन्स। लेट्स कम टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। हियर आई पुट द टेबल वेयर वी कैन सी द कंपेरिजन बिटवीन नोवेल कोरोना वायरस, COVID-19, सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम सार्स एंड मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम मर्स एंड कॉमन फ्लू। सो यू कैन ईजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिम्टम्स एंड द इन ऑनसेट ऑफ डिजीज, इंक्यूबेशन पीरियड, रिकवरी, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, सो वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम। So basically we are going to focus on novel coronavirus COVID-19. Fever, cough, shortness of breath, fatigue, that is the symptoms of novel coronavirus. 2 to 14 days after exposure, recovery 2 to 8 weeks it will take. Human to human transmission, acute pneumonia, complications if any, septic shock, respiratory failure in adverse condition, no vaccine available, only symptoms can be treated, only symptoms can be treated. So this slide may be very useful for you. Next slide, and we are going to discuss the difference between quarantine and isolation. So what is the basic difference between quarantine and isolation? Separation of individual who are not yet ill but have been exposed to COVID-19 and therefore have potential to become ill. And if we talk about isolation, separation of individuals who are ill, suspected or confirmed COVID-19 cases, then we will going to use this term isolation. Moving ahead, and some points to be remembered. In December 2019, a novel coronavirus infection was detected in Wuhan, China, Hubei province. Initial cases all had a common link to a large seafood and live animal marketplace. They are so named due to their similar appearance under electron microscope to the sun's corona during a total solar eclipse. So this corona word comes from solar eclipse. Point to be remembered. The virus responsible for the current outbreak was originally called novel coronavirus, now renamed SARS-CoV-2. इससे पहले जो मैंने SARS वायरस के बारे में बताया था, सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम, उसका जो कॉजिंग वायरस था वो SARS-CoV था, SARS कोरोना वायरस।
इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं, इस कारण इसका जो नॉमन क्लेचर है वो है SARS-CoV-2। ये ऑथेंटिकेट नॉमन क्लेचर है, आप इसे याद रख सकते हैं, SARS-CoV-2। सिंस इट इज़ रिलेटेड टू द सार्स वायरस दैट कॉज्ड एन एपिडेमिक इन चाइना इन 2002-3, पॉस्टुलेटेड एट दैट टाइम टू हैव ओरिजिनेटेड इन सीवेट कैट्स एंड देन जम्प टू ह्यूमंस, एंड द मर्स कोरोना वायरस रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन फ्रॉम कैमल, दैट दैट हैज बीन ऑलरेडी टोल्ड टू यू इन स्लाइड। सो रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कैन अकर वैन पीपल विद अ सर्टन इन्फेक्शन टॉक, लाफ, कफ, स्नीज और सिंग। देयर आर टू टाइप्स, ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न। वेरी बेसिक एंड मैनी पीपल गेट कन्फ्यूज बिटवीन दिस टू टर्म्स। सो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशंस अकर वैन पेशेंट कफ, स्नीज एंड टॉक विच जनरेट इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स दैट कैन कॉन्टैक्ट द आईज, नोज और माउथ ऑफ एन अदर पर्सन कॉजिंग इन्फेक्शन। सो द साइज ऑफ द ड्रॉपलेट इज लार्ज इन केस ऑफ ड्रॉपलेट एंड डू नॉट रिमेन एयरबॉर्न फॉर लॉन्ग एंड सेटल आउट फेयरली क्विकली। ड्रॉपलेट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज एग्जिबिटिंग एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 6 फीट अवे फ्रॉम द पेशेंट मे बी एडिक्वेट। डिजीज ट्रांसमिटेड बाई ड्रॉपलेट्स आर इन्फ्लुएंजा, मैनेंजिकोकल डिजीज, फ्लू, माइकोप्लाज्म, वूफिंग कप, रूबेला एंड मम्स आर अमंग अदर्स एग्जाम्पल। यू हैव टू रिमेंबर द ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिंस दे स्टे सस्पेंडेड लॉन्गर एंड देयर साइज इज वेरी लेस, सो इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 2 आवर्स और मोर, एंड कैन ट्रेवल मच ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट्स। अदर डिजीज एग्जिबिटिंग एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इंक्लूड ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, वर्सेला एंड मीजल्स। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड विच यू हैव टू रिमेंबर। थैंक यू एंड टू ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। आई एम वेरी वेरी थैंक टू यू एंड स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ब्लेस। थैंक यू।